अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और बाहर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाहर कितनी धूप है। देखिए, आप देख सकते हो सूरज सामने का ही है और सूरज सामने ही आ रहा है, एकदम मुंह पे सूरज आ रहा है और पूरे घर में देखिए धूप आ रही है और इतनी ज़्यादा तपश वगैरह भी लग रही है। और वैसे अभी देखिए 6:30 बजे इतनी धूप है, तो सोचिए दोपहर के टाइम पर कितनी धूप है। और उसका टेम्परेचर बताऊँ कितना होता है, 46। और अभी मैंने सुना है कि 2 दिन बाद तो 51 तक पहुँचने वाला है। पता नहीं क्या होगा, यानी कि सूरज ही भाई नीचे आ जाने वाला है। तो ऐसा ना हो, अल्लाह ताला ऐसा ना करे, बस ये गर्मी है वो नॉर्मल हो जाए और ज़्यादा गर्मी भी मतलब नहीं बर्दाश्त हो रही है। और यहाँ पर मैं अभी देखिए जस्ट अभी ही मैं उठी हूँ, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग सो जाते हैं। तो मैं अभी उठी थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक कप चाय भी पी लूँ, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, फटा जा रहा है सर मेरा। तो मैंने सोचा कि भाई एक कप चाय बनाकर पी लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। गर्मी हो ठंडी हो, पर चाय तो मुझे चाहिए ही होती है, क्योंकि ये जो चाय लवर होते हैं उनको ही पता होता है कि चाय नहीं मिलती तो क्या हाल होता है। तो यहाँ देखिए मैंने अमूल का जो पैकेट ले लिया है, तो मैं इतना सारा तो नहीं डालूंगी, सिर्फ मेरी जितनी ही चाय बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पहले फटाफट से पैकेट को खोल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने देखी ये इतना दूध लिया है सिर्फ 1 कप चाय के लिए। मैं यहाँ पर इस गैस के सिलेंडर पर चढ़ा दूंगी, बस मेरे पास अच्छा गैस नहीं है देखिए, क्योंकि ना गैस तो है जैसे कि जो शादी में दहेज में देते हैं वो है, बट अभी जो गैस लाइन आती है वो नहीं है। तो यहाँ मैं उसको ऑन कर लेती हूँ और इस तरह से देखिए मैं उसको लगा लेती हूँ। और ये काफ़ी डर भी लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैस है ना, तो ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते जो भी है होता है। और उसके बाद देखिए इतनी धूप थी तो मुझे सारा काम ऐसे ही रखना पड़ा दोपहर में। देखिए यहाँ पर जो बर्तन वाली बर्तन धो कर गई थी तो वो मैंने अभी तक जमाए भी नहीं है, यानी कि अपनी अपनी जगह पर रखे भी नहीं है, ऐसे ही पड़े रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, बाहर निकलने का दिल भी नहीं कर रहा था। और यहाँ भी देखिए जो के जो धोए हुए कपड़े हैं उसके बाद उसको फोल्ड करना होता है वो भी नहीं किया, इतनी गर्मी इसमें ये भी नहीं हुआ मुझसे। तो चलो मैंने कहा सोचा पहले चाय बनाते हैं, बाकी का काम स्टार्ट करेंगे, एनर्जी मिल जाएगी चाय से। तो यहाँ मैंने चाय पत्ती और चीनी निकाल ली है, तो चलो हम फटाफट से पहले चाय पत्ती और चीनी उसमें डाल देते हैं। हाँ, तो मैंने चाय पत्ती और चीनी भी डाल दी है, तो यहाँ चाय बन रही है, चाय बन रही है, बट मुझे फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। बाजू जो मेरा बेडरूम है तो वहाँ पर एसी चालू है, तो वहाँ पर अच्छी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, बट यहाँ पर ना सामने से जो धूप आती है तो इससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी और तपश लग रही है। तो मैं अभी मेरे जो अभी शाम में पहनने के कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ अलमारी में से। तो यहाँ पर देखिए ना जो लॉक सिस्टम नहीं है तो उसको सिर्फ इससे ही की से ही लॉक करना होता है, वैसे हैंडल होता है वो वाला नहीं दिया हुआ है ये अलमारी में। तो यहाँ देखिए अभी तो ऐसे ही कपड़े भी सब जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं, और गर्मी में इतना सोच सोच कर कपड़े जो है वेयर करने होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता हम क्या वेयर करें। और मुझे आज क्या वेयर करना है पता नहीं चल रहा है, मैं आज क्या वेयर करूँ, क्योंकि इतने हैवी कपड़े ना वेयर नहीं हो पाते। फिर भी चलो देखते हैं कि मैं क्या निकालती हूँ वेयर करने के लिए। तो देखिए फाइनली मैंने ये ड्रेस निकाला हुआ है, यानी कि सिर्फ ये कुर्ती है, अच्छी लगती है, सॉफ्ट मटेरियल में है और इस पर थोड़ा सा वर्क भी है। और इसका जो ट्राउज़र है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, तो मैं ये वाला वेयर कर लूँगी अगर मुझे फिर भी कंफर्टेबल रहा तो। और ये काफ़ी अच्छी है, लॉन की है, मतलब सॉरी रियॉन की है। और बस इतना ही वेयर करेंगे, क्योंकि गर्मी सीजन पता नहीं चलता क्या वेयर करें क्या नहीं। और यहाँ चाय भी हो रही है, देखिए चाय होने ही वाली है, तो चलो पहले चाय को देखते हैं फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ चाय मैंने निकाली है और इसको इग्नोर करिए, क्योंकि इस तरह के जो बाउल होते हैं कांच के वो कितना भी संभालो वो टूट ही जाते हैं। तो मेरे भी इस तरह से यहाँ पर देखिए टूट चुके हैं, और कमेंट में ऐसा नया बोला कि आपका जो बाउल है वो टूट चुका है। हाँ, मैं चेंज कर ही लूँगी ऐसे, और उसके बाद इतनी गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाएगी, तो मैं इसको पहले ठंडी कर लेती हूँ और बाकी के जो मेरे जो धोए हुए बर्तन हैं उसको मैं जमा लेती हूँ।
देखिए मैंने 3 आलू लिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको चढ़ा दूंगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि आज बनाएंगे हम आलू के पराठे। तो मैंने सोचा कि भाई इतना भी आपको दिखाई दूँ, आज मैंने सोचा है कि हम आलू के पराठे ट्राई करेंगे। और वैसे खाने में आज बहुत ही लाइट सा खाना बना हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो रात में ये प्रोग्राम कर लेते हैं, आलू के पराठे बना लेते हैं। तो पहले मैं उसको अच्छे से उसको चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए प्रेशर कुकर को हमने चढ़ा दिया है, उसको हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे और उसके बाद उसको ठंडे होने के लिए फ्रीज में रख देंगे, ताकि जब हम आलू पराठे बनाएंगे तो उससे अच्छा रहेगा। और बाकी का हम काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो हम अभी देखिए रूम में आ चुके हैं, इकरा भी उठ चुकी है देखिए, और यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैसे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आने के बाद सुकून भी आ गया, क्योंकि फाइनली यहाँ एसी चालू है। और ये देखिए इसको ईयरफोन ही दिख जाते हर जगह, और सारी ईयरफोन मेरे वो तोड़ ही देती है। तो चलो अब हम यहाँ सारा कुछ क्लीन करते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं, क्योंकि मैं फ़ोन सेट करके वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो बस मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ और क्लीन करके बाद में दिखाऊँगी। तो मैंने सारा कुछ काम कर लिया है, देखिए सब कुछ क्लीन भी कर लिया है, इकरा भी उसकी बोतल पी रही है। और अब मैं सुकून से बैठ के मेरा नाश्ता करूंगी और उसके बाद इकरा को तैयार करूंगी, मैं तैयार होंगी और बाकी का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आलू पराठा को बोला था कि मैं आलू पराठा बनाऊंगी, तो यहाँ मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। तो पहले हम यहाँ पर ले लेंगे मैदा ले लेंगे हम आलू पराठे के लिए, हम मैदे का आलू पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मैदा ले लेती हूँ, मुझे जितना बनाना है मैं उतना मैदा लूँगी, आपको जितना बनाना आप उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो देखिए मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया है, बस थोड़ा सा ही मैदा लिया है। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट मैं इसमें ऐड करती हूँ। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके जो पराठे हैं वो टूट जाएंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा हमको भून लेना है, याद रहे कि आपको मैदा है जो कि वो थोड़ा हार्ड में गूंदना है, डो बनानी हार्ड में डो बनानी है, बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनानी है। तो यहाँ मैं देखिए हार्ड डो बना लेती हूँ फटाफट से मैदे की। तो यहाँ मैंने देखिए इसको अच्छे से गूंद लिया है और अच्छे से डो रेडी करी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज्यादा जो कड़ी भी नहीं है, और अच्छे से बस इसमें से मेरे ख्याल से 4 या 5 तो पराठे बन ही जाएंगे, क्योंकि मैं छोटे से बनाऊंगी। तो बस अभी हम इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे ताकि ये थोड़ी देर के लिए सेट हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे अपना जो बाकी का प्रोसेस है वो पूरा कर लेंगे। तो मैंने ये 3 आलू लिए थे, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है और फ्रीज में रख दिया ताकि ये थोड़े से अच्छे से ड्राई हो जाए, ज़्यादा उन पानी रिलीज ना करे। और उसके बाद मैंने यहाँ एक अनियन चॉप की है, हरा धनिया और हरी मिर्च 3 से 4 चॉप की है, क्योंकि मेरा जो आलू पराठा है उसका डो है वो थोड़ा कम है, तो इतना सारा मैं नहीं लूँगी। और यहाँ हम फटाफट से पहले आलू को पील आउट कर लेंगे। लिया है तो अब मैं उसको अच्छे से मैश कर लूंगी। मेरे पास मैशर है बट मैं मैशर यूज नहीं करूंगी, क्योंकि जो हाथ का स्वाद होता है वो मैशर में कहाँ, तो मैं यहाँ अपने हाथों का ही इस्तेमाल करूंगी ताकि हमारे आलू पराठे में ज़्यादा स्वाद आए। और आलू को हमको अच्छे से मैश करना है, जरा भी उसके अंदर लम्स ना रहे, उसको अच्छे से मैश करना है। तो इसलिए आप आलू को ज़्यादा ही देर, मतलब उसको बॉईल करें, यानी कि ज़्यादा प्रेशर कुकर में सीटी लगाए, उससे क्या होगा आपके जो आलू है वो अच्छे से ही मैश हो जाएंगे, लम्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ देखिए मैं हाथों से ही करती हूँ, क्योंकि इंडियन नारी के हाथ होते हैं सब कुछ।
हाथों का प्यार ही घर वालों के लिए स्वाद बनता है, मैं सर अपने वो स्वाद कहाँ। तो मैं यहाँ देखिए फटाफट से, ये मेरा सेकेंड बार है, पहले मैंने आलू पराठा बनाया था तो मैंने यूज़ किया था हम जो आटा यूज़ करते हैं यानी कि व्हीट फ्लोर यूज़ किया था। इस बार मैं मैदा यूज़ करती हूँ क्योंकि मैदे से भी अच्छे बनते हैं। उस बार मैंने आटा यूज़ किया था, नॉर्मल हम घर में जो चपाती बनाते हैं वो आटा, गेहूँ का आटा यूज़ किया था। और अभी मैं यहाँ यूज़ करूँगी मैदा, मैदे से भी अच्छा बनता है और उसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सारे डाल देंगे और उसके बाद जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि सॉल्ट हमने मैदे में भी यूज़ किया है तो इसलिए हम यहाँ कम ही यूज़ करेंगे। उसके बाद ना मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर लूँगी। पहले मैं थोड़ा चिमचा तो ले लूँगी, यहाँ मैं हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है। उसके बाद मैं रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी क्योंकि ये मेरी जो चिली रेड चिली पाउडर है वो थोड़ा तीखा है तो हम कम ही उसको यूज़ करेंगे भाई, जो ऐसा ना हो कि आलू पराठा एकदम तीखा सा हो जाए। तो बस मैं इतने ही स्पाइस यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, वैसे भी आलू पराठा का टेस्ट आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से और मैश कर लेंगे। देखिए तो ये आलू पराठे की स्टफिंग तो रेडी हो चुकी है। स्टफिंग काफी अच्छी हुई है यानी कि आलू जो है काफी अच्छे से बॉईल हुए हैं। तो हम अच्छे से उसको मिक्स करेंगे, डो बना लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तो रेडी हो गई है, अब हम तैयारी करेंगे पराठों की। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं पराठे बनाकर रख देती हूँ, उसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे। पहले मैं छोटा सा पेड़ा लूँगी। हम छोटे छोटे पराठे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह सा पेड़ा ले लिया है, इसको मैं अच्छे से पहले रोटी बना लूँगी। आप चाहो इतना आटा लगा सकते हो दस्टिंग के लिए, मैदा सॉरी। इतना पराठा काफ़ी रहेगा हमको स्टफिंग करने के लिए। अब स्टफिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, स्टफिंग हम इतनी ही डालेंगे फिर ऐसा ना हो कि हमारा पराठा भी टूट जाए। तो हमने इतनी स्टफिंग कर ली है, अब हम उसको अच्छे से पैक कर लेंगे। मैं मेरी स्टाइल से बताती हूँ, आपको जैसी स्टाइल पसंद हो आप वैसे ही करें, बट इसको अच्छे से पैक ज़रूर करें वरना क्या होगा, ये खुल जाएगा तो फिर पराठा भी खुल जाएगा। उसको अच्छे से उसमें डिप करें और धीरे 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 से बेलते जाएं। आपकी स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए, आपका जो बेलन है वो सिर्फ धीमे धीमे से चलाते रहिए, थोड़ी स्टफिंग बाहर आ रही है क्योंकि ऐसा कभी कभार हो जाता है। ये आलू पराठे इतने आसान भी नहीं होते हैं, इस तरह से बेलन मारे कि आपकी स्टफिंग चारों तरफ जाए। ये सेकेंड बार है फिर भी मुझसे इतने अच्छे बन रहे हैं, वरना ये बहुत बार टूट जाते हैं, बहुत से लोगों के साथ होता भी है। थोड़ी सी स्टफिंग दिखना आम बात है। Thank you.
बनाऊंगी, तो मैं इसको अलग से रख देती हूँ, हम बाद में उसको फ्राई करेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बेस्टिंग कर लो। तो एक पराठा हमारा तो ये सारे पराठे मैंने बनाकर रख दिए हैं और अब हम सिर्फ उसको पकाएंगे यानी कि फ्राई करेंगे। तो इस तरह से इजीली हो जाता है, वो बनाओ और रखो वो आसानी नहीं रहती। तो चलो फटाफट से अब बनाने का प्रोसेस रेडी कर। तो यहाँ मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है और मैं इसको थोड़ा जला लूँगी और इसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख दूँगी। और ये सारे जूठे बर्तन हैं उसको मैं बाहर रख दूँगी यानी कि सारा मैसिनेस दूर हो जाए। तो हमारा जो पैन है यानी कि तवा है वो अच्छे से गर्म तो हो चुका है। अब हम फर्स्ट पराठा ऐड करेंगे। आई होप ये टूटे ना, क्योंकि मुझे इतना तो वो नहीं है कि भाई टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो पहले हम उसको अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे। तो ये फूल भी रहा है और मुझे खुशी भी हो रही है कि फूल रहा है भाई, क्योंकि भाई आलू पराठा बनाना बहुत मुश्किल काम है और अगर बन जाता है तो खुशी भी उतनी ही होती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा वाली जो हमारा पराठा वो अच्छे से फूल भी रहा है। उसको आपको अच्छे से ही सेकना है, कच्चा ना रहे। चम्मच भी गिर गया मुझसे। तो ये वाला हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसको इसमें पेपर में डाल देंगे ताकि ये ड्राइनेस हो जाए। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा एक पराठा। अब ये थोड़ा सा हम उसको हटा देंगे, उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्लोथ को अच्छे से क्लीन, तवे को हमको अच्छे से क्लीन करना है ताकि जो हमारा दूसरा पराठा है वो टूट ना जाए। तो उसको भी हम एकदम ऐसे ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारे आलू के पराठे रेडी हो चुके हैं। तो इसको आप दही के साथ, रायते के साथ, अचार के साथ, आपको जिसके साथ अच्छे लगे आप उसके साथ खा सकते हो। और उसके बाद मैंने खाने वाला सीन नहीं लिया क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका था और फटाफट से खाना वगैरह खाया क्योंकि हमने आलू पराठे ही खाए थे, तो वो मैं शूट करना भूल गई थी, सॉरी फॉर दिस। और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे आपका बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट दें ताकि आपकी बहन
आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहे। बस अब हम चलते हैं और अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ऐसे ही आलू के पराठे बनाइए, खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और खुश रहिए। और मेरे व्लॉग को प्यार दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मेरे चैनल को प्यार दीजिए। और बस ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलो चलते हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।